भाई 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 एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, बहुत गंदा सीन हो रहा है यार। कल पता नहीं मोदी आ रहा है जिसके चक्कर में भी हमारे आगे एक्सीडेंट हो गया यार। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, 160 के आसपास गाड़ी है भाई, फ्री हो जाती है, बिल्कुल सस्पेंशन हवा में हो जाते हैं गाड़ी। Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई मैं सुबह सोया हुआ था, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं जिंदगी में, और उठते साथ ही दोस्त के ही कॉल, दोस्त भी नहीं है भाई जैसा यार, ये साथ में ये चेक करो। तो इसने बोला कि चलना है श्रीनगर, मैंने सोचा मजाक कर रहा है यार, लेकिन बोलता नहीं भाई चलना है। बारिश हो रही थी बहुत तेज, ये देख लो गाइस बारिश कितनी तेज हो रही है, फुल करो। और फिर भी मतलब कि बोला कि नहीं जाना ही जाना, तो मैंने बोला ठीक है भाई निकलते हैं। तो इस हालत में देख लो, जो घर की हालत थी उसी हालत में निकले हैं। गाड़ी का फुल हो रही है, देख लो फुल कराने का तरीका, देखा है तरीका, देखो कितना डांसिंग कार। फुल कितने का हुआ है? 3309 रुपए में फुल हुआ है। सो गाइस अभी हम यहाँ से टैंक फुल करा के निकल चुके हैं, तो यहाँ से अभी पहले हमें जाना है जम्मू। तो जम्मू कितना है? 150 किलोमीटर यहाँ से जम्मू है। 170। सुनो सुनो सीधी सारी बात बता दूं, 150 जम्मू, जम्मू से श्रीनगर 290 किलोमीटर, कुल मिला के बात होगी 450 किलोमीटर। तो अभी लगभग टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया 3:11। 3:11 हुए हैं, तो 7 बजे तक हम जम्मू पहुंचेंगे, 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद सीधा निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। तो हम कल सुबह जाके श्रीनगर पहुंचेंगे मस्त मजे से। गाइस अभी हमें ट्रैवल करते हुए 1 घंटा हो चुका है, और जस्ट अभी हम पहुंचे हैं कहाँ पे, सियोट में। एंड गाड़ी की स्पीड चेक करो, कांस्टेंट 100 चल रही है, पॉजिटिव 100, ओके, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, कांस्टेंट 100 चल रही है, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे देखो मौसम यार बिल्कुल मस्त है, और जिस साइड से हम जा रहे थे पहले पीर की गली वाली साइड से, वहाँ पे हो रही थी बारिश, और वहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, और हमें वहाँ से बिल्कुल मतलब पास पड़ता अपने घर से राजौरी वाली साइड से, लेकिन अब वहाँ की रोड की कंडीशन ही खराब थी, तो हमें मतलब उससे भी 3 गुना ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। जितना राजौरी से जम्मू है ना, उतना राजौरी से कश्मीर पड़ जाता है। और अभी हम राजौरी से जम्मू जाएंगे, और जम्मू से फिर श्रीनगर के लिए निकलेंगे, और कर जाके सुबह जाके पहुंचेंगे। गाइस हम 120 पे कांस्टेंट चल रहे हैं, और आगे देख रहे हो हमारी फेवरेट गाड़ी चल रही है थार, और इसने भी 120 पे भगा के रखी हुई है। देख लो एसयूवी लोग बोलते ना कि भागती नहीं है, देख लो सामने की बात है 120 में बंदा निकाल रहा है। ब्रो मैं तेनु क्या सी यार, एक गड्डी दौड़ दी है तू क्या सी? नहीं यार एक गड्डी नहीं एसयूवी है यार, 4x4 है ना ये मेरे भाई, 4x4 हो जो मर्जी हो भागती है भाई, देख ले हम 100 में चल रहे हैं और वो 100+ में है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदरबनी में, अभी रुकते हैं, भूख लगी हुई है, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। आगे हमारे साथ बनिए रे, हम आगे का आगे बताएंगे। आगे हमारे साथ बनिए, आगे की आगे बताएंगे। A few moments later. भाई 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 एक्सीडेंट हो गया, अभी हमारे आगे एक्सीडेंट हो गया यार, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी भाई। एक बार भाई आराम से, कोई बात नहीं, पता नहीं लगा यार। बारी खोलो, मैं ना जस्ट सो ही रहा था भाई, सोते सोते ना अचानक से क्या हुआ यार, ऐसे हंसना नहीं चाहिए बट अब उस बंदे के साथ होना था ऐसा सीन यार। मैं सो करके अचानक से उठा हूँ, और अभी फोन को ही ऑन करने लगा था, और हमारे फेस टू फेस आगे ना यार इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ ना स्विफ्ट गाड़ी में। अंकल मतलब पता नहीं गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, और को नींद आ गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन यार गाड़ी मैं कहता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस होती है ना, बंद करके आई सीधी चढ़ गई दूसरी गाड़ी के साथ, मतलब हिट होकर के फिर लगी है गाड़ी, बिल्कुल पलट गई, मोड़ से सीधा बाहर ही गई भाई, वो भाई गंदा सीन था भाई, बच गए सरदार अंकल सब। मैं डर गया यार, मैंने कहा ये क्यों, गाड़ी टूट गई, जिस हिसाब से गाड़ी आई थी मुझे लगा था हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई भाई, बंपर रहा कसम से यार, जिस हिसाब से वो गाड़ी आई थी ना मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी तो हमारे गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी यार, बच के पता, हम पीछे थे ना, हमारे जो आगे गाड़ी थी वो लगी यार, आगे क्या जो आगे वाली गाड़ी थी ना उसमें लड़की एक बैठी हुई थी आगे यार, वो बिल्कुल फेंट है, मैं उसी मैं क्यों नहीं, हम कितने पीछे, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं था, मैं उस लड़की के पास गया हुआ था यार, वो उसके साथ हस्बैंड था, कौन था मुझे नहीं पता यार, भाई था क्या था, मैं उसको बोल रहा हूँ यार इसको बाहर निकाल कम से कम पानी पिला, बोल रहा है नहीं यार भाई रहने दे, उसको मैं ऐसे हाथ पकड़ रहा हूँ, लेकिन यार फेंट हो रही है अचानक से लड़की, वो उस साइड से यार कांच सारे उसके फेस पे लगे हुए हैं लड़की के, नहीं यहाँ से ब्लड ही ब्लड आ रहा है लड़की को, नहीं गंदा वो उसका कांच था ना बंद, वो जैसे वो हिट हुई कांच सारा आके प्रेशर पड़ा ना उसके, तो वो बड़ा गंदा सीन था यार। टाइम हो रहा है भाई 6:44, तो भाई जस्ट अभी हम जम्मू एंटर करने वाले हैं, ये है जम्मू का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा ऊपर बख्शी नगर अपने घर पे, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान उठाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट थोड़ी बहुत करेंगे, और फिर रात को निकल जाएंगे कहाँ पे,
कश्मीर के लिए, और सामने का व्यू देख रहे हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है। ये चेक करो, ये हो रहा है सनसेट। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो आप कब निकले थे? हम निकले थे 1 बजे और हम निकले 3 बजे। तो ये भी हमारे साथ साथ निकले थे हमारे से कुछ टाइम पहले। हमारा तो आने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो सोया हुआ था, तो आपको पता ही है कि अचानक से निकलना पड़ा। तो ये देखो, ये पता क्या कर रहे थे, ये देखो ये ना मूवी देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे। गाइस ये दो किधर हैं? दोनों किचन में हैं। दो नमूने और दिखाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं। हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो गाइस? तू यहाँ कहाँ से आ गया एकदम से? हेलो गाइस, फिर हम बहुत ज्यादा थक गए हूँ, तो थोड़ी सारी रेस्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। A few moments later. So finally guys, अभी हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए, बट यहाँ पे बहुत गंदा सीन हो रहा है यार। कल पता नहीं मोदी आ रहा है, जिसके चक्कर में इन्होंने पूरे बोल रहे हैं ट्रैफिक नहीं खोलेंगे, ऑर्डर्स हैं, ऐसा वैसा कुछ बोल रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं, जाना तो पड़ेगा भाई। राजौरी से आए यहाँ पे, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब यहाँ से आगे जाना ही दे रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। और अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे हैं। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं नॉर्थ के सबसे बड़े टनल में, यहीं पे एंटर कर रहे हैं। नाम है चिनानी नाशरी टनल। तो ये 10 किलोमीटर लंबा टनल है, हमें इसको क्रॉस करते हुए एटलीस्ट 10 मिनट तो लगने ही वाले हैं, 10 से 15 मिनट। वाइब देखो अंदर की, क्या तगड़ी वाइब है यार। अब भाई इससे पास लेना, कैसे पास लें। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बनिहाल में, तो यहाँ से हम सीधा एंटर करेंगे काजीकुट टनल में और वहाँ से सीधा श्रीनगर। तो गाइस ये है सेकेंड टनल, यहाँ से हम एंटर करेंगे और सीधा काजीकुट से बाहर निकलेंगे। ये भी लगभग 7-7.5 किलोमीटर के आसपास ये भी टनल है। तो अभी भगाते हैं थोड़ी गाड़ी और देखते हैं कितनी जाती है। 160 के आसपास गाड़ी है भाई, फ्री हो जाती है, बिल्कुल सस्पेंशन हवा में हो जाते हैं गाड़ी के, और देखो पूरी 160 तक चली गई है भाई। गाइस टाइम हो चुका है 2:22 और हम कहाँ पे इस टाइम हुए, किधर है कोई बता भाई। 2:23 हुए, मन किया कहीं पे रुक जाए साइड पे, काजीकुंड से आगे आके अनंतनाग से थोड़ा सारा आगे आके ना वहाँ पे आकर के रुक गए भाई। टाइम हो रहा है सुबह के 4 और अभी हम कहाँ पहुंचे, डल लेके भाई डल लेके भाई।